राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है। इसकी जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर साझा किया। लालू यादव का ऑपरेशन जैसे ही सक्सेसफुल हुआ, तेजस्वी यादव ने लालू यादव की तस्वीर अपने ट्विटर पर शेयर किया है। और ट्विटर पर शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि पापा का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और उन्हें ICU से अब जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर से अब ICU में शिफ्ट किया गया। डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों स्वस्थ हैं। आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवाद। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की किडनी आज सिंगापुर में ट्रांसप्लांट होनी थी, जो अब हो चुकी है और अब उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो चुका है। बताते चले कि इससे पहले रोहिणी आचार्य ने अस्पताल के गाउन में दोनों की एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की थी, जो कि ऑपरेशन के पहले थी। इसी के बाद से अब उनकी बहन मीसा भारती ने भी एक तस्वीर शेयर की और रोहिणी आचार्य के ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने की जानकारी दी थी। और मीसा भारती ने बताया था कि छोटी बहन रोहिणी का डोनर का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, वो अभी ICU में है, अभी पापा का ऑपरेशन चल रहा है। जिसके बाद से ही राजद के तमाम कार्यकर्ता और लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव के साथ साथ RJD के सभी मंत्री लालू यादव के सफल ऑपरेशन के लिए पूजा अर्चना कर रहे थे। जगह जगह पर रुद्राभिषेक किया जा रहा था, हवन किया जा रहा था और लालू के सफल ऑपरेशन की कामना की जा रही थी। इसी के बाद अब तेजस्वी यादव ने ये खबर ट्विटर पर शेयर किया और लोगों को धन्यवाद दिया। जो लोग लालू यादव के ऑपरेशन के लिए पूजा कर रहे थे, उन सबको धन्यवाद दिया और बताया कि लालू यादव का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है और अब उन्हें ऑपरेशन थिएटर से ICU में शिफ्ट किया गया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने लालू यादव की एक वीडियो शेयर की, जिसमें डॉक्टर लालू यादव को ऑपरेशन थिएटर से लेकर ICU की तरफ जा रहे हैं। बताते चले कि लालू यादव को उनकी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दी है और सिंगापुर में दोनों का ही ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।